Hey guys, welcome to my YouTube channel Life for Education. In this video, we will cover best 75 question of third week of October month. और अगर आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। विच स्टेट हैज लॉन्च द स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम स्कीम? किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम योजना शुरू की है? ये राज्य है आसाम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू फॉर्म अ कर्षका क्षेम निधि बोर्ड फॉर द अपलिफ्ट ऑफ फार्मर्स इन द स्टेट? किस राज्य ने राज्य में किसानों के उत्थान के लिए कर्षका क्षेम निधि बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है? ये राज्य है केरला। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अ टोल फ्री गवर्नमेंट हेल्पलाइन फॉर मेंटल हेल्थ मन संवाद वॉज लॉन्च इन विच स्टेट? मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद किस राज्य में शुरू की गई है? ये राज्य है राजस्थान। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद इंडिया पोस्ट टू गेट 11,000 फार्मर्स एनरोल्ड इन द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम? किस राज्य सरकार ने 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में नामांकित करने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है? ये राज्य है गोवा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 2020 वॉज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? ये मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच शिप वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट शिप अमॉन्ग कैपिटल शिप्स एट द फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020? फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 में किस जहाज को कैपिटल जहाजों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जहाज से सम्मानित किया गया है? ये शिप है INS सहयाद्री। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद अपोलो हॉस्पिटल टू लॉन्च द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम? हाल ही में किस बैंक ने अपोलो हॉस्पिटल के साथ मिलकर अपने ग्राहकों के लिए द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू किया है? ये प्रोग्राम है HDFC बैंक का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच कंपनी विल एक्वायर ब्लू एक्रन ICI फॉर अप टू 125 मिलियन US डॉलर? कौन सी कंपनी 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ब्लू एक्रन ICI का अधिग्रहण करेगी? ये कंपनी है इंफोसिस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the chairman and MD of the Western Coalfield Limited? Western Coalfield Limited के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है मनोज कुमार। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ वॉल्ट डिज्नी कंपनी APEC एंड चेयरमैन स्टार एंड डिज्नी इंडिया हु हैज रिसेंटली स्टेप्ड आउट। APEC व्यवसाय के अध्यक्ष और स्टार एंड डिज्नी इंडिया के चेयरमैन पद से हाल ही में किसने इस्तीफा दे दिया है? यह है उदय शंकर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच बैंक इन कोलैबोरेशन विद गूगल पे एंड वीजा हैज लॉन्च्ड इट्स ACE क्रेडिट कार्ड? किस बैंक ने गूगल पे और वीजा के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यह बैंक है एक्सिस बैंक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे 2020? विश्व मानक दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस 2020 का विषय क्या था? इसका थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत पे हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स TV कैंपेन टीम भारत पे। इन दिस कैंपेन हाउ मेनी क्रिकेटर्स आर अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर्स? भारत पे ने अपने टीवी अभियान टीम भारत पे को लॉन्च किया है। इस अभियान में कितने क्रिकेटरों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसमें पूरी क्रिकेट टीम के बराबर क्रिकेटर्स है, मतलब 11। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which digital payment company has partnered with Uber to offer payments through its gateway on the Uber app? किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने Uber app पर अपने गेटवे के जरिए भुगतान की सुविधा देने के लिए Uber के साथ समझौता किया है? ये कंपनी Amazon Pay। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द पुलिस ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव टू कनेक्ट बंचार एंड कंजर कम्युनिटी विद द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी? किस राज्य की पुलिस ने बंछड़ा कंजर समुदायों को मुख्यधारा के समाज से जोड़ने के लिए एक पहल शुरू की है? ये राज्य है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पेप्सिको विल सेट अप अ ग्रीन फील्ड पोटैटो चिप्स प्रोडक्शन यूनिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? पेप्सिको निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीन फील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित करेगी? ये राज्य है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौमुदी मुंशी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ विच स्टेट? ये गुजरात की थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
Government will extend a subsidy of what percent on transportation of notified fruits and vegetables through Kisan Rail Train under Operation Green Top to Total. सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने फीसदी सब्सिडी देने के आदेश जारी किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी 50%. विच इनिशिएटिव वॉज ई लॉन्च बाय ट्राइफेड इन एसोसिएशन विद छत्तीसगढ़ एमएफपी फेडरेशन एंड आईआईटी कानपुर. ट्राइफेड ने छत्तीसगढ़ एमएफपी संघ और आईआईटी कानपुर की साझेदारी से आदिवासियों के लिए कौन सी पहल का शुभारंभ किया है? इसका नाम है टेक फॉर ट्राइबल्स. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एवर जॉइंट स्टिल बर्थ एस्टिमेट रिलीज्ड बाय यूनिसेफ डब्ल्यूएचओ एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑलमोस्ट हाउ मेनी मिलियंस बेबीज आर स्टिल बोर्न एवरी ईयर और वन एवरी 16 सेकंड. यूनिसेफ डब्ल्यूएचओ और विश्व बैंक समूह द्वारा जारी पहले संयुक्त अजन्मे बच्चों की रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग कितने मिलियन बच्चे जन्म से पहले ही मर जाते हैं? ये है 2 मिलियन. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Which has become the first state in the country to have high-tech classrooms in all its public schools? अपने सभी पब्लिक स्कूलों में high-tech classroom बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये राज्य है केरला. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. All central government employees can now get an interest-free advance of up to how much amount to be spent by 31st March 2021 on the choice of festival of the employee. सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्योहार के मौके पर कितने रुपए का ब्याज मुक्त अग्रिम देने का फैसला किया है? ये फेस्टिव एडवांस 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा. इसका आंसर है ऑप्शन डी 10,000 रुपए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल रिलीज द ऑटोबायोग्राफी टाइटल देह वचवा करनी. द ऑटोबायोग्राफी इज बेस्ड ऑन हुम. ये ऑटोबायोग्राफी है बाला साहेब विखे पाटिल के ऊपर. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द कमिटमेंट टू Reducing Inequality Index 2020 released by Oxfam. Oxfam द्वारा जारी असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा? इसमें भारत की रैंक है 129. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. What is the strike range of Nirbhay cruise missile launched by DRDO but was later aborted? DRDO ने हाल ही में किस मारक क्षमता वाली निर्भय क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया है पर खामी आने के बाद इसका ट्रायल पर रोक लगा दिया था? इसकी रेंज है 800 किलोमीटर. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेम द इंडियन ओरिजिन एकेडमिशियन हु हैज बीन नेम्ड एज डीन ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद का नाम बताएं जिसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नामित किया गया है. इनका नाम है श्रीकांत दत्तर. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. विच स्टेट विल लॉन्च मिशन शक्ति फॉर वुमेन फॉर द अपकमिंग नवरात्रि फेस्टिवल. कौन से राज्य ने आगामी नवरात्रि त्योहारों के लिए महिलाओं के लिए मिशन शक्ति का शुभारंभ किया है? ये राज्य है उत्तर प्रदेश. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद इंडियाज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल टू स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री. किस कंपनी ने देश भर के छात्रों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉड्यूल प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ भागीदारी की है? ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. एडीबी हैज इंक्ड अ लोन एग्रीमेंट वर्थ $570 million विद द सेंटर टू फंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एंड स्ट्रेटन अर्बन लोकल बॉडीज इन विच टू स्टेट. किन राज्यों के बुनियादी ढांचा निर्माण और शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए एडीबी ने भारत सरकार के साथ $570 million का समझौता किया है? ये राज्य है राजस्थान और मध्य प्रदेश. Which among the following has launched the same day settlement facility for all kinds of fund transfer on its payment gateway? निम्नलिखित में से कितने व्यवसायों के लिए उसी दिन बैंक भुगतान सेटलमेंट का शुभारंभ किया है? यह है पेटीएम. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Who is the author of the book The Battle of Belonging? The Battle of Belonging पुस्तक के लेखक कौन है? इसके ऑथर हैं शशि थरूर. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Which among the following has launched the My Town My Pride program? निम्नलिखित में से किसने My Town My Pride कार्यक्रम शुरू किया है? ये यूटी है जम्मू एंड कश्मीर. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. कपिल देव कामत हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द पंचायती राज मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट. ये थे बिहार के. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च विच कैंपेन टू मार्क द 89th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम.
इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है कपिला, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2020 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2020 किस तारीख को मनाया गया? ये डेट है 17 अक्टूबर और इसकी थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। हु इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड? एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? यह है कुलदीप सिंह, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द सुप्रीम कोर्ट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी अंडर हुज चेयरमैनशिप टू टेक स्टेप्स फॉर प्रिवेंटिंग स्टेबल बर्निंग इन पंजाब हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जलती हुई पराली को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? इसके अध्यक्ष है मदन बी लोकुर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द सेकेंड कोविड 19 वैक्सीन नेम्ड एपीवैक कोरोना? किस देश ने दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन एपीवैक कोरोना को शुरुआती ट्रायल के बाद मंजूरी दे दी है? ये कंट्री है रशिया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द थीम ऑफ द ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2020? ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2020 का विषय क्या था? इसका थीम था हैंड हाइजीन फॉर ऑल, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द इंडियन इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हाट परसेंट इन 2020? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020 में कितने प्रतिशत तक गिरावट आएगी? इसका आंसर है 10.3%, ऑप्शन इज द राइट आंसर। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बोरो हाउ मच अमाउंट अंडर स्पेशल विंडो टू मीट द शॉर्टफॉल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन? केंद्र सरकार राज्यों के वस्तु एवं सेवा कर की कमी को पूरा करने के लिए कितने रुपए का कर्ज लेगी? यह है 1.1 लाख करोड़ रुपीज, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक इज बीइंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम? इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक को कब से कब तक मनाया जा रहा है? ये मनाया गया 16 से 22 अक्टूबर तक, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर्ड विद अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अंडर द बैंक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम? किस लघु वित्त बैंक ने बैंक प्रायोजना कार्यक्रम के तहत अशोक नगर सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? ये बैंक है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच कंट्री होस्टेड द वर्चुअल समिट ऑफ मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? किस देश ने एससीओ के न्याय मंत्रियों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था? ये कंट्री है इंडिया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेम द इंडियन हु हैज वॉन द लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस कैटेगरी इन द 17th एनुअल स्टीव अवार्ड फॉर वुमेन इन बिजनेस? ये अवार्ड मिला है सीमा गुप्ता को, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the next permanent representative of India to the permanent delegation of India to UNESCO? हाल ही में किसे यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल का अगला प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? इनका नाम है विशाल वी शर्मा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the new chairman of the Indian Bank Association? इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये है राज किरण राय जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच बैंक हैज बीन ऑथराइज्ड टू इशू एंड एनकैश द 14th ट्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स? किस बैंक ने चुनावी बॉन्ड की 14वीं श्रृंखला की बिक्री और उसे भुगतान के लिए अधिकृत किया गया है? ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है माइकल ईरानी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टीजियस संद्रा नीसी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज वर्क इन द यूएस? यह है हरीश कोटेचा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अटल इनोवेशन मिशन हैज साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद विच कंपनी टू प्रमोट इनोवेशन अक्रॉस ATL स्कूल्स? अटल नवाचार मिशन ने स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ आशिक विवरण पर हस्ताक्षर किए हैं? ये कंपनी है CGI इंडिया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अ रीजनल ड्रग रिपोजिटरी फॉर आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन फॉर द सदर्न प्लेट्यू रीजन इज बीइंग सेट अप एट विच प्लेस? ये सेटअप किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा चेन्नई में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी कार्ड विल नाउ कैन बी ऑब्टेंड एज PVC कार्ड एट अ नॉमिनल प्राइस ऑफ ₹50?
निम्नलिखित में से कौन सा पहचान पत्र अब ₹50 की फीस पर पीवीसी कार्ड के रूप में प्राप्त किया जा सकता है? ये कार्ड है आधार कार्ड, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच पावर प्रोड्यूसर कंपनी हैज स्टार्टेड टू कोलैबोरेट विद सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स अक्रॉस द कंट्री टू सप्लाई फ्लाई ऐश? फ्लाई ऐश की आपूर्ति करने के लिए देश भर के सीमेंट निर्माताओं के साथ कौन सी बिजली कंपनी सहयोग कर रही है? ये कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द वुमन सिंगल टाइटल एट डेनमार्क ओपन? निम्नलिखित में से किसने डेनमार्क ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है? ये है नजोमी ओकुहारा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और मेन सिंगल का खिताब जीता है एंड्रस एंटोसेन ने। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज लॉन्च विच स्कीम ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रिसेंटली? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की कौन सी योजना शुरू की है? इस स्कीम का नाम है आयुष्मान शंकर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द सेंटेनरी कॉन्वोकेशन 2020 ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर इन विच ईयर द यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मैसूर विश्वविद्यालय की शताब्दी दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है। मैसूर विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? यह वर्ष था 1916, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द 8th एडिशन ऑफ द एनुअल इंडियन नेवी श्रीलंका नेवी बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज स्लाइनेक्स 20 टुक प्लेस इन विच सिटी? भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना के बीच संयुक्त वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 20 का 8वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? यह शहर है त्रिंकोमाली, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फर्स्ट प्लांटेशन ऑफ हींग वॉज डन इन विच स्टेट रिसेंटली? भारत के किस राज्य में देश का पहला हींग का पौधा रोपित किया गया? यह राज्य है हिमाचल प्रदेश, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल सेलिब्रेट इट्स 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन मार्च 26, 2021? निम्नलिखित में से कौन सा देश 26 मार्च 2021 को स्वतंत्रता के 50 वर्ष मनाएगा? ये देश है बांग्लादेश, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टाटा मोटर्स हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर फाइनेंसिंग ऑफ इट्स पैसेंजर्स व्हीकल? टाटा मोटर्स ने यात्री गाड़ियों को फाइनेंस करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ये बैंक है HDFC बैंक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु इज द करेंट यूनियन होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान केंद्रीय गृह सचिव कौन है? यह है मिस्टर अजय भल्ला, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया? हाल ही में किसे एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? यह है सीमा मुस्तफा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट? ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है दीपांकर अरुण, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडिया एंड विच कंट्री हैव डिसाइडेड फॉर अ जॉइंट प्रोजेक्ट इन द ई हेल्थ सेक्टर? भारत और किस देश ने ई स्वास्थ्य क्षेत्र में एक साथ काम करने के लिए पहल की है? ये देश है नीदरलैंड्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इंडिजीनियसली डेवलप्ड सेंट मिसाइल, व्हाट डज एज स्टैंड इन सेंट मिसाइल? DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित सेंट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सेंट में एस का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है स्टैंड ऑफ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which among the following will stabilize our frontier technologies cloud innovation center CIC with Amazon Web Service AWS? ये है नीति आयोग, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। How many countries have now joined the World Health Organization led COVAX facility? विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व वाले COVAX सुविधा में अब कुल कितने देश शामिल हो गए हैं? ये है 184, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ऑफ द कंट्री इन विच स्टेट? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है? ये राज्य है असम, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट अ फाइन ऑफ ₹500 विल बी इम्पोज नाउ ऑन द पीपल हु स्पिट इन द रेलवे प्रीमिसेस? किस राज्य में रेलवे परिसर में थूकने वाले लोगों पर अब ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा? ये राज है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।